हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बासी टेक्नो फैक्ट पे। आज हम एक और मोबाइल लेकर आए हैं जो आप लोगों की बहुत खास है। ये फ्लैगशिप फ़ोन है, काफ़ी हाई रेंज का है लेकिन बहुत कहते हैं बहुत डिसेंट फ़ोन है। आप इसको लेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ आपने कोई फ़ोन लिया है। आप इसको एक बार इसकी इमेज दिखा सकते हैं। ये फ़ोन इतना हाई है कि हम इसको ले भी नहीं सकते। आप हो सकता है ले सकते हैं, हम तो नहीं ले सकते। इसकी हम बात कर रहे हैं आईफोन का। आईफोन आप लोग समझ रहे हैं ना, आईफोन कितना हाई प्राइस का होता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स अभी लेटेस्ट मोबाइल है, ये सितंबर में लॉन्च हुआ है। आप इसमें 5G सारे नेटवर्क मिलेंगे, 5G 2G 3G 4G वो तो है, अगर 5G है तो सब मिलेगा उसमें। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आइए हम बात करते हैं मोबाइल की डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका LTPO सुपर रेटिना है, सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले है इसका। 120 हर्ट्ज का स्मूथ है, स्मूथ इसका बहुत ही है, अच्छा है। इसका HDR 10 सपोर्ट भी मिलेगा, डॉल्बी वेशन भी है, 1000 इसका निट है, 6.7 इंचेस का है, काफ़ी बड़ी मोबाइल है। आप देख सकते हैं 110.2 mm स्क्वायर का है। इसका स्क्रीन रेशियो 88.3% है, 88.3% जो काफ़ी है। इसका प्रोटेक्शन शील्ड प्ले ग्लास लगा हुआ है, आप आगे पीछे दोनों गोरिल्ला ग्लास लगे हुए हैं। डिस्प्ले पे ऑलरेडी ये आपको लगा हुआ मिलेगा, उसके बाद भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं इसके गोरिल्ला ग्लास की। अगर आप अलग से लेंगे तो काफ़ी महंगा आएगा, और लगा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसके कवर भी ले लीजिए, बहुत महंगे आते हैं लेकिन अब मोबाइल महंगी है तो कवर और ग्लास तो कोई क्यों ना लगवाए, ज़रूरी है लगवाइए आप इसको। इसकी बॉडी इसका वेट 240 ग्राम्स का है। इसके फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास लगा है, सेकंड में भी गोरिल्ला ग्लास लगा है। इसका स्टील फ्रेम है, गिरने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी। स्टेनलेस है, एकदम स्टील है। और बात करते हैं इसके सिम की। नैनो सिम लगा हुआ है इसमें, ई सिम भी मिलेगा आपको, इंटरनेशनल पे है। डुअल ई सिम मिलेगा विथ मल्टीपल नंबर सिर्फ कहाँ, USA में मिलेगा आपको। ये डुअल सिम नैनो सिम जो है वो डुअल स्टैंड बाई आप रख सकते हैं, चाइना में भी रह सकते हैं। IP इसका जो है 68 डस्ट से बचाता है। वाटर रेजिस्टेंट भी अप टू 6 मिनट टू फॉर 30 मिनट्स आप वाटर रेजिस्टेंट कर सकते हैं। इसका एप्पल पे है, वीज़ा मास्टर कार्ड एमएक्स इसमें सर्टिफाइड है। एप्पल पे का आप जानते ही हैं, एप्पल का अपना पर्सनल सब सारे आइकॉन मिलेंगे आपको, सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे उसको। सेफ्टी बहुत होती है, सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल साइबर क्राइम आप जानते ही हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसका प्लेटफॉर्म आपको बता दें, इसका OS जो है OIS है, जो वह OIS 16 है जो भी काफ़ी लेटेस्ट है, अपग्रेडेबल है टू iOS 16.1। इसका चिपसेट है Apple A16 बायोनिक, 4 nm का है CPU इसका, हेक्सा कोर है। और अदर मोबाइलों का ऑक्टा कोर होता है, इसका हेक्सा कोर है। कुछ फ़र्क होगा ही, तभी तो हेक्टा कोर ऑक्टा कोर दिया है, कुछ तो होगा। बात करते हैं GPU की। इसका GPU एप्पल GPU है, एप्पल की मोबाइल है तो एप्पल GPU होना ही होना है। 5 Cro ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स इसका बहुत ही है। आप इसकी डिस्प्ले की स्मूथनेस देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। फ़ोन उन तो हमारे पास नहीं है लेकिन आपको इसके इमेज हमारे डिस्प्ले पे आपको मिलते रहेंगे, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। हो सकता है छोटा सा क्लिप भी होगा अगर हमारे पास, हम देखेंगे तो उसको भी चला देंगे, आप नीचे उसको देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी मेमोरी की। इसकी इंटरनल मेमोरी 128 GB मिलेगा 8 GB रोम के साथ, 256 भी मिलेगा 6 GB रैम के साथ, 512 भी मिलेगा 6 GB रैम के साथ, 1 TB 6 GB रैम मिलेगा। लेकिन इसकी इंटरनल बहुत ही हाई है, आपको एक्स्ट्रा और अदर कोई स्लॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिम लगाने का इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि जो आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरा इसके 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का एक है, 12 मेगापिक्सल के 3 रियर कैमरे मिलेंगे आपको। 48 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है, डुअल पिक्सल है, PDF है, सेंसर शिफ्ट भी है, इसमें LED फ्लैश भी आपको मिल जाएगा। 12 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड है, और 12 मेगापिक्सल का इसका ऑप्टिकल जूम है, जूम इसका बहुत बेहतरीन, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैगशिप फ़ोन है, फ्लैगशिप क्या आप कह सकते हैं, फ्लैगशिप से भी फ्लैगशिप फ़ोन है, ये बहुत हाई होने वाला है। बात इसमें आप वीडियो 4K तक शूट कर सकते हैं। डुअल LED, ये डुअल टोन फ्लैश मिलेगा, HDR सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है।
अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। सेल्फी कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल है, जैसे अदर एप्पल का भी है आप देख सकते हैं, लेकिन कैमरा मैंने यूज़ किया है, मैंने देखा भी, हमारे दोस्तों ने लिया है, वो बहुत ही डिसेंट है कैमरा, चाहे 14 का हो, 13 का हो, 12 का, आप किसी का 11 का भी हो, 11 में भी मैंने देखा है उसको, तो अपने यूज़ भी किया है कुछ दिन, उसके बारे में बता सकता हूँ। 11 तो काफ़ी डिसेंट था, उसके अब तो 14 बहुत आगे निकल चुका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 14 का कैमरा बहुत ही डिसेंट है, डिस्प्ले बहुत डिसेंट है, कैमरा बम भी हल्का सा है, कोई उससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं है। सेल्फ़ी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, बहुत ही सेल्फ़ी कैमरा इसका बहुत डिसेंट आएगा, बहुत खास होने वाला है। बात करते हैं साउंड की, इसमें स्पीकर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, आपको इसमें ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा, वो भी एप्पल का ही ब्लूटूथ लगेगा, चाहे वायरलेस हो बिना वायरलेस हो, जो भी हो आपको ही लगाना पड़ेगा, वो भी एप्पल से खरीद कर ही लगाना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसमें और क्या क्या आपको फीचर मिल सकते हैं। डब्ल्यू लैन मिलेगा, ब्लूटूथ भी मिलेगा, रेडियो नहीं मिलेगा, रेडियो आप कौन सुनता भी है, आपको इसमें USB मिलेगा, लाइटिंग मिलेगा, USB 2.0 मिलेगा। बैटरी इसके लियोन का 4323 mAh का है, जो काफ़ी बड़ी है। चार्जिंग में इसका वायर्ड PD2 मिलेगा आपको, 30 मिनट में 50% कर देगा, जो से 15 वाट वायरलेस है, आप इसको यूज़ करिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन है। फ्लैगशिप से ऊपर का फ़ोन है, आपको पता है कि अगर कोई एप्पल फ़ोन ले लेता है तो स्टेटस बन जाता है उसका, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी नॉलेज है। बैटरी इसकी काफ़ी डिसेंट है, बड़ी भी है, एप्पल में भी दिक्कत कोई नहीं है, आप ले सकते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन है। एक ये लगभग 1,40,000 रुपये के करीब आएगी, आप इस फ़ोन को बाई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इसका इंटरनल स्टोरेज आपको 256 से लेके 1 TB तक मिलेगा, और डिस्प्ले इसका 6.7 इंचेस का है, जो काफ़ी डिसेंट है, आप ले सकते हैं ये मोबाइल, यूज़ करिए। हम आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कोई मोबाइल चाहिए तो भी बताइए, हम उसको भी उसके बारे में भी आपको बताएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, किसी का कंपेयर चाहिए आप वो भी बताइए, हम कंपेयर भी कर देंगे। अब बात और लास्ट में एक बार फिर आपसे विनती है, कह सकते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।